अस्सलाम वालेकुम। आपको वालेकुम सलाम। पहले कभी इस पार्क में नहीं देखा? इस इलाके में नहीं आई हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इस वक्त पार्क में आने वाली तमाम ख्वातीन को जानता हूँ मैं। आपको पहले कभी नहीं देखा। मैंने अभी वॉक शुरू की है कुछ दिन पहले। गुड, अच्छी बात है, वॉक करनी चाहिए। आप यंग भी हैं, स्मार्ट भी हैं, वॉक के फवायद आपको फ्यूचर में पता चलेंगे। आपको मैं यंग दिख रही हूँ? बिल्कुल, इस वक्त तो पार्क में वो अजीब बुजुर्ग टाइप औरतें आती हैं, अजीब ब्लड प्रेशर और शुगर की पेशेंट। एक दो लड़कियां भी आती हैं लेकिन फोन में बात कर रही होती हैं। अरे वैसे मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ और टेनिस कोच भी। टेनिस का तो मुझे भी बहुत शौक है। लग रही थी आप स्पोर्टी, अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं माहिर जहांगीर, बनना तो मैं टेनिस का बहुत बड़ा प्लेयर चाहता था लेकिन आप जानती हैं हमारे मुल्क में क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस कहाँ दी जाती है, तो अब्बा ने बोला एमबीए कर लो, इसने एमबीए कर लिया। आप? मैं मिसेज हिदायतुल्ला, सिर्फ एक हाउसवाइफ। अच्छा, आपका भी अपना कोई नाम होगा? मेरा नाम मेहरुन्निसा। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम भी मेहरुन्निसा था, उसको सब मेहरू मेहरू कहते थे। आई एम श्योर आपको भी मेहरू कहते होंगे। कहते थे पर अब कोई नहीं कहता। अरे क्यों? सॉरी मैं थोड़ा पर्सनल हो गया, तो मुझे आदत है ज़्यादा बातें करता हूँ। आप अपने माइंड तो नहीं किया ना? इट्स ओके, चलती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? घर। मुझे लगा आप नाराज़ हो गई। चले ठीक है, ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं? ठीक है, थोड़ी सी बदल सी गई हैं। जिंदगी बदल गई है उनकी, तो ऑब्वियसली कुछ चेंज तो आएगा ही। पहले अंकल का साया था उन पे, जब उनका साया हटाए तो तुम लोगों को असली शक्ल नजर आ रही है। तुम ठीक कह रहे हो, हमने माँ को सिर्फ बाबा की नज़र से देखा था, अब बाबा को अलग करके माँ को देखो तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर मुझे अच्छा लगता है। वो बहुत लाइवली सी हो गई है, उनका टेस्ट बदल गया है, कपड़ों की चॉइस बदल गई है, सब। खैर तुम बताओ ऑफिस कैसा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही? अभी तक तो ठीक ही जा रहा है। मुझे ये बताओ कि आंटी ऑफिस आएंगी या नहीं? आई डोंट नो, आ भी गई तो क्या करेंगी, माँ तो नहीं ऑफिस हैंडल कर सकती, अब तो तुम्हें ही हैंडल करना होगा। हाँ लेकिन मिनाल, एक्चुअली ये बिजनेस बहुत बड़ी अमानत है मेरे लिए और अमानत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आई होप तुम समझ सकती हो इस बात को। तुम काबिल हो इसलिए माँ ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है, रिलैक्स करके काम करो। परेशान क्यों हो रहे हो? खैर और सुनाओ, फुप्पो हैं या चली गई? तुम्हें भी माँ की तरह फुप्पो पसंद नहीं है ना? काफी इरिटेटिंग है। इरिटेटिंग तो है मगर क्या करें, फुप्पो है मेरी और फिलहाल तो उनका कोई प्लान नहीं है वापस जाने का।